अगर आप मान लो एक बजट लेके चल रहे हो और आपको उस बजट के अंदर ही सारी चीजें मिल जाती है, तो क्यों आपको ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर जाना? तो उस कंफ्यूजन का दूर हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये देख रहे हो आप इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट फ्रोंक्स का, और ये है इसका जेटा वेरिएंट। प्राइस डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों वेरिएंट के अंदर में 1 लाख रुपए का आता है। अब इस 1 लाख रुपए में इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर क्या चीज़ें कम मिल जाती हैं वो आज की वीडियो में बताऊंगा। क्या वो 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने वर्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। जैसे आप इन दोनों गाड़ियों की देखोगे ना, ये है आपकी जेटा वेरिएंट की। इस गाड़ी को लॉक करने पर कोई ORVMs फोल्ड नहीं होते, और अनलॉक करने पर तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होना, वही एक बार और दो बार आवाज़ करती है। और ये है आपकी फ्रोंक्स की डेल्टा प्लस की। इसके अंदर लॉक करेंगे तो एक बार आवाज, ये मैंने गलती से बहुत दबा दिया। अबे यार इसका बोनट खुला पड़ा है। सेम ही चीज़ है दोनों गाड़ियों के अंदर, ORVM फोल्ड या फिर अनफोल्ड इन दोनों गाड़ियों के अंदर में नहीं होते हैं। अब फ्रंट प्रोफाइल जैसे देखोगे, इस जेटा वेरिएंट के अंदर भी आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, और DLs ड्यूअल फंक्शन वाले हैं, इंडिकेटर DL दोनों को काम करते हैं। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर भी सेम ही चीज़ है, LED हेडलाइट्स है और LED ही यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं। और फ्रंट के अंदर ना एक ऐसा डिफरेंस दिया गया है जो कि आपको नोटिस भी नहीं आएगा। जैसे देखो जो इसका जेटा वेरिएंट है ना, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश की ग्रिल दी गई है, और जो इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, यहाँ पे आपको रफ ब्लैक फिनिश की ग्रिल है। अब साइड प्रोफाइल में जैसे आप इन दोनों गाड़ी के ORVMs देखोगे ना, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में। साइड प्रोफाइल में डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको क्रोम लाइन मिल जाएगी इस जेटा वेरिएंट के अंदर में, पर जो ये डेल्टा वेरिएंट है यहाँ पे कोई क्रोम लाइन नहीं मिलेगी। और एक और डिफरेंस आएगा इनके डोर हैंडल में, जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, पर जो इसका जेटा वेरिएंट है यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। और डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको सिल्वर रूफ रेल्स मिल जाएगी, और साइड में जैसे आप एक क्लैडिंग्स देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाएंगी। पर जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश वाली क्लैडिंग्स नहीं मिलेंगी, और जो इसकी रूफ रेल्स है ये भी आपको सिल्वर फिनिश की नहीं मिलेगी। पर जो एंटीना है दोनों ही गाड़ियों में आपको शार्क फिन का मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियाँ 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती हैं। जैसे जो मैंने इनका प्राइस डिफरेंस कंपेयर किया है वो मैंने आपको बूस्टर जेट वाला इंजन कंपेयर किया है। ऐसे नहीं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का मैंने 1.2 उठा लिया और जेटा में जो आते बूस्टर जेट है उसका वो उठा लिया, तो ऐसे नहीं किया मैंने। दोनों का बूस्टर जेट और दोनों का ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मैंने कंपेयर किया है। अब इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में जैसे देखोगे तो पीछे की तरफ में आपको डिफोगर मिल जाता है पर कोई वाइपर नहीं मिलता है, पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं पर कोई कैमरा जो है इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है। और जो ये इसका जेटा वेरिएंट है यहाँ पर आपको डिफोगर मिल जाता है, और जो वाइपर है वो इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा मिलता है, और जो कैमरा है वो भी आपको इस वाली वेरिएंट के अंदर में एक्स्ट्रा मिल जाता है। पीछे की तरफ में गाड़ी में पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। अब बैक प्रोफाइल में जैसे देखोगे ना तो दोनों ही गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है, LED टेल लाइट्स हैं, LED में इंडिकेटर हैं, और जो बैक लाइट है वो भी LED के अंदर ही मिलती है। बूट स्पेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है, खुल जा भाई। इसके अंदर में एक ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई भाई गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, और गाड़ी खोलने के लिए मैग्नेटिक स्विच है ही। इतना गर्म हो रहा है ना, वैसे ही पकड़ा भी नहीं जा रहा भाई। 308 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीटें भी हैं, पार्शियल ट्रे भी यहाँ पे मिल जाती है, और हेलोजन बल्ब के साथ में बूट लैंप भी मिल जाता है। और जो स्पेयर व्हील है 195/60R16 का ही मिलता है। अब जो टायर है ना इन गाड़ियों के वो बिल्कुल सेम सेक्शन के आते हैं, 195/60R16 के। दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम ही अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है और रियर गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आ जाता है। अब इसको ओपन करने के लिए ना मेरे को की निकालनी पड़ेगी यार, जेब के अंदर है ये रही। खुल जा, दो बार दबानी पड़ेगी तब जाके इसके 5 डोर ओपन होंगे। ये सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। देखो बूट स्पेस तो बिल्कुल सेम है, पार्शियल ट्रे भी यहाँ पे मिल जाएगी, पर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर में कोई बूट लैंप आपको नहीं मिलेगा, और जो स्पेयर व्हील है वो बिल्कुल सेम सेक्शन का ही मिलेगा। अब जैसे इसके अंदर जो जैक की प्लेसमेंट दी गई है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है यार, ये भी टायर के ऊपर नहीं रखा, लग गया। अब इसको कर देते हैं बंद। सबसे पहले ना आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाती है, और इतना जो पार्ट है ये फैब्रिक के अंदर मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर में 4 स्पीकर्स आ जाएंगे और ट्विटर्स जो है नहीं आएंगे। तो अनपेंटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इस वाले वेरियंट के अंदर नहीं मिलती है, फर्स्ट रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे ये चीज़ देखो, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, आइडल इंजन ऑन ऑफ और लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल मिल जाएगा। गाड़ी क्या है आपको की लगा के
स्टार्ट करनी पड़ेगी। कीलेस वाली चीज इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आती है। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ये फ्लैट बॉटम आता है। म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी में आ जाती है बट ऑटो वाइपर जो है गाड़ी में नहीं आते हैं। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीजें एनालॉग के अंदर मिल जाती है और इन्फॉर्मेशन वही है, बिल्कुल नॉर्मल सी ही इसके अंदर में शो करता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले गाड़ी के अंदर में आ जाती है बट कैमरा नहीं आता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। यहाँ पे भाई आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, यूएसबी आ जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाएगा, दो ग्लास होल्डर आ जाएंगे, पर जो आर्मरेस्ट है वो आपको इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर टाइप की सी फिनिश भी आ जाएगी। अब जैसे इसका इंटीरियर देखोगे ना तो आपको कई फिनिश मिल जाएगी, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, मतलब पर्पल, कौन सा कलर है ये, मैरून सा कलर मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स भी है बिल्कुल सेम से साइज का सही मिलता है। मतलब मारुति गाड़ियों के ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के अंदर में सेम से साइज का ही आते हैं। IRVM मैनुअल में आ जाएगा। यहाँ आगे की तरफ में रीडिंग लैंप्स भी मिल जाएंगी और यहाँ सेंटर में भी क्या है, रीडिंग लैंप्स गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। अब विजिबिलिटी की बात करते हैं भाई, तो जो ये गैप है ये दिक्कत करता है। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है इस गाड़ी में, तो हल्का सा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं डैशबोर्ड के लेवल से बैठा हूँ। इससे मतलब यूं नहीं है कि ऊपर बैठा हूँ तो ज़्यादा कमांडिंग सी पोजिशन आ जाए। अब साइड विंडो से बात की जाए तो जो ये वाला पोर्शन है मतलब यूँ है लेवल से बैठा हूँ, साइड ORVM में से बिल्कुल ठीक सा व्यू इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। अब सेकंड रो में दिखाता हूँ भाई कैसा क्या कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर मिलता है। इस गाड़ी में ना ये सबसे बढ़िया बात है, अगर इस सीट को मैं ऑल द वे बैक भी कर दूंगा ना तो भी इसके सेकंड रो में आप एक चीज देखना, 6 फुट के अकॉर्डिंग तो है ही बढ़िया। अब ऑल द वे बैक कर दी ना तो भी भाई यहाँ पे देखो बिल्कुल बढ़िया सा नी रूम और लेग रूम मिल जाता है। मतलब बढ़िया से नहीं, यूं है गाड़ी के अंदर में बैठ सकते हैं, वो आपको बैठ के दिखाऊंगा। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और बीच वाले के लिए भी क्या है, आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब एक चीज़ देखो, ऑल द वे बैक है तो नी रूम में क्या है आपको 2 उंगली जितना गैप है, लेग रूम भी यहाँ ठीक ठाक सा मिल जाता है। अगर यही चीज़ 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए तो आप देखो कितना बढ़िया से इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। पर यहाँ पीछे की तरफ में कोई आपको एयर के वेंट्स नहीं मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। अब ना आपको इस जेटा वेरिएंट के अंदर दिखाता हूँ कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे देखो यहाँ पे लेदर का वर्क है ये एक्स्ट्रा मिल गया, ये पियानो फिनिश है ये एक्स्ट्रा मिल गई, क्रोम डोर हैंडल्स एक्स्ट्रा मिल गए, और एक इसके अंदर में 4 स्पीकर और दो ट्विटर्स हैं आगे की तरफ में, ये इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा मिल गया। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है वो आपको इस जेटा वेरिएंट के अंदर में एक्स्ट्रा मिल गई। यहाँ तक तो भाई ये सारी चीज़ें थी। अब इंटीरियर से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलती है। अगर इस गाड़ी को इग्निशन ऑन कर लेते हैं और डोर को कर लेते हैं बंद, देखो स्टेयरिंग व्हील पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, ऑटो हेडलैम्प दोनों ही गाड़ियों के अंदर में मिल जाएंगे। पर जैसे आप ये कंट्रोल्स देख रहे हो ना पीछे वाले वाइपर के, ये चीज़ जो है इसके अंदर में एक्स्ट्रा मिल गई। टैकोमीटर स्पीडोमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, पर जो बीच के अंदर में ये कलरफुल डिस्प्ले है ना ये आपको इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा मिल गई। और इन्फॉर्मेशन यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा शो करेगा, वही नॉर्मल सी शो करते हैं। देखो बस मोशन टॉर्क हो गया, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग हो गई, इंजन मोटर हो गई, ये ना जो टर्बो इंजन आता है ना उसके अंदर में आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है। और एक और चीज़ है, इंजन स्टार्ट स्टॉप भी जो है आपको इस जेटा वेरिएंट के अंदर में एक्स्ट्रा मिल गया। टच स्क्रीन डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल सेम है, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गई, गियर नॉब बिल्कुल सेम है, आर्मरेस्ट जो है इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा मिल गया। IRVM यहाँ पे मैनुअल के हैं, रीडिंग लैंप हैलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे भी जो है रीडिंग लैंप मिल जाती है। ग्लव बॉक्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एक और चीज़ है, इस वाले वेरिएंट के अंदर में ना आपको पडल लैंप भी मिल जाती है भाई। अब दिख जा भाई, एक देखो देखो ये रिपडल लैम्प जो कि आगे वाले दोनों डोर्स में मिल जाती हैं, पर ये चीज़ आपको इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी की बात आती है तो जो इसका जेटा वेरिएंट है यहीं से ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है ना वो ऊपर हो जाती है पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में ऊपर नहीं होती है। अब इसमें पीछे की तरफ में दिखाऊं तो क्या एक्स्ट्रा है, एक तो आपके जो एयर के वेंट्स हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और दो चार्जिंग के सॉकेट हैं, एक सी टाइप और एक USB, ये इसके अंदर में एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और पीछे कुछ ऐसा लगेगा इसका जेटा वेरिएंट देखने में। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच की तरफ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये दोनों ही गाड़ियों के अंदर में मिल जाएंगी। अब देखने लगो तो यहाँ पे भी जो लेदर का वर्क है ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। इसका अगर आप बूस्टर जेट इंजन परचेज करते हो तो ये मत सोचना कि माइलेज यहाँ पे आपको कम मिलेगी। देखो जो इसका नॉर्मल इंजन आता है ना ड्यूल जेट वाला, वहाँ पे आपको 22.8 की क्लेम करती है कंपनी, और जो इसका बूस्टर जेट वाला इंजन है यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 21 पॉइंट समथिंग की है, तो 1.5 किलोमीटर का यहाँ पे अंदर आता है। पर जो पावर का डिफरेंस है, चलाने में मजा है, वो आपको बूस्टर जेट वाले में आएगा। ये है इसका 1.2 लीटर का नॉर्मल वाला इंजन, 89 BHP ये प्रोड्यूस करता है।
अभी दिखाता हूँ इसका बूस्टर जेट वाला इंजन जो कि आपका जेटा वेरिएंट के अंदर में लगा हुआ है। देखो इंजन का और ट्रांसमिशन का ही डिफरेंस आएगा, फीचर्स के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। महिंद्रा की तरह का भी सोचो, महिंद्रा में ऑटोमेटिक में तो अलॉय व्हील्स दे देते हैं 18 इंच के, पर मैनुअल में आपको 17 इंच के मिलते, तो वो चीज़ इसके अंदर में नहीं मिलेगी। ये है इसका बूस्टर जेट वाला इंजन, 99 bhp और 147 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। अब भाई 1 लाख रुपए की बात आती है तो आप कैसे बचाओ। देखो ऐसे नहीं है कि 1 लाख रुपए कंपनी ले रही है तो उसके अंदर कोई फीचर्स नहीं दे रही है, फीचर्स तो आपको इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा क्या कहता आपका, देखो एक तो ट्विटर्स एक्स्ट्रा हो गए, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच इसके अंदर में एक्स्ट्रा हो गया, हाइट एडजस्टेबल सीट एक्स्ट्रा हो गई, थोड़ा सा लेदर का वर्क इसके अंदर में एक्स्ट्रा हो गया, पीछे की तरफ में एयर के वेंट्स भी एक्स्ट्रा हो गए। ये सारी चीज़ें आपको इस डेल्टा प्लस में नहीं मिलेगी, और कीलेस एंट्री जो इसके अंदर में एक्स्ट्रा मिल जाएगी। पर मेरे हिसाब में तो डेल्टा प्लस वेरियंट जैसे आप परचेज करोगे, की से भी खोल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, की से भी स्टार्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से आप एक लाख रुपये बचा सकते हो। तो ये एक ऑप्शनल सा पैक हो गया कि आप जेट्टा भी परचेज कर सकते हो। देखो थोड़ा कन्फ्यूजन का तो विषय है, जेट्टा भी यहाँ पे परचेज कर सकते हो, डेल्टा को भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि बर दया 1 लाख रुपए दोगे ना तो इतनी सारी चीज़ें आपको इन गाड़ियों के अंदर में मिल जाती हैं। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो बजट सबसे ज़रूरी होता है, बजट है तो ही इसकी तरफ जाना, वरना आपका बजट नहीं बन रहा ना, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो रही है, तो डेल्टा प्लस ही परचेज करना।